नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना YouTube चैनल साई न्यूज सीरीज में स्वागत है। मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं, जो कि जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया, जो कि आयांश के रिलेटेड, जो कि बहुत लोगों का डाउट है, जो कि आयांश के पिताजी जो कि 16 करोड़ रुपए, अब वह फर्जीवाड़ा, वह पैसे लेकर के विदेश चला जाएंगे, जो कि वह सारे जनता से, सारे हिंदुस्तान के लोगों से उन्होंने पैसा लेकर के और काफ़ी करोड़पति बन जाएंगे और अपने देश छोड़ के वह विदेश जाके वह अच्छा लाइफ जीने लगेंगे, जो कि यह कुछ लोगों का कहना है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो कि उनको पुलिस ने आखिरकार क्यों गिरफ्तार किया, क्या है इस विषय पे सच्चाई, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों से यही विनती है कि भैया आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो कि आयांश के पिताजी जो कि पहले ITI टीचर थे, जो कि ITI उनका अपना प्राइवेट जॉब करते थे, जो कि उनका अपना पर्सनली था, जो कि उन्होंने अपने पैसे लगा के वो उनका अपना इंस्टीट्यूट चलता था, जो कि उसके बाद जब आयांश का तबीयत खराब हुआ, जो कि 10 महीना का बच्चा, जो कि आप लोगों को खुद पता है, लेकिन वह आप लोग सोच रहे हैं कि एकाएक कैसे डिमांड किया गया है जो कि 16 करोड़। दोस्तों उससे पहले उन्होंने 5-6 कट्ठा जमीन उन्होंने बेच चुके हैं, जो कि उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से बताए हैं, और जो भी उनके पास पैसा था 10-15 लाख रुपए, वो भी इन्वेस्ट कर दिए, मतलब वो काफ़ी माइनस में जाते जाते चले गए। उसके बाद यहाँ पे आए आप लोगों से ग्राउंड रिफंडिंग, यानी पब्लिक से, आप सभी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब मैं सक्षम नहीं हूँ, आप लोग ही कुछ कीजिए। तो असमर्थ थे, इसीलिए आप लोग के बीच वह, जो कि आप लोग के बीच वह बात रखें। और दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जेल चले गए। दोस्तों जेल नहीं गए हैं, बट कुछ पीछे बैकग्राउंड आइए, जो कि वह कुछ विवादों में फंसे हुए थे, लेकिन वह उनका एक ही सोच है, जो कि कुछ पब्लिक लोगों का, कुछ भाइयों का कहना है कि वह पैसे लेके भाग जाएंगे। तो उनका सोच है कि भाई चलिए, अगर मैं पैसे लेके चला जाऊंगा तो उससे भला है कि मैं अपने, यानी थाने में बंद हो जाता हूँ, जेल में बंद हो जाता हूँ, ताकि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, यानी जो आप लोग जानते हैं उनकी एक बेटी और एक छोटा सा लड़का आयांश है, जो कि वह मम्मी और तीनों परिवार आपस में, यानी रूम में रह सकते आसानी से, और आयांश के पिताजी जब जेल में रहेंगे तो वो तो विदेश नहीं जा सकते, जो कि वह उनका सोच था, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से बताएं तो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, जो कि उनका भी सोच अच्छा है और उनका ये भी सोच, अगर मैं फर्जी बड़ा करूँगा तो मुझे घर पर एक सरकारी पुलिस भी चाहिए, ताकि उसकी रेख देख भी कर पाएगा। तो दोस्तों सजा सारा चीज़ वो सच्चाई बता रहे, तो फिर इसमें फर्जी बड़ा है क्या? यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग ऐसे लोगों पे मतलब विश्वास न करें। प्लीज़ आयांश एक छोटा सा बच्चा है, न जाने हमारे देश के लिए एक भविष्य है, जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा, आप सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, कुछ भी हो गए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छे यह बच्चा बन के साबित कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो कि देखिए हम लोग खुद प्रचार करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएगा, या आयांश के कितने, मतलब हम लोगों के पास ये कार्ड है, जहाँ पे हम लोग निकलते हैं उनको फुल सपोर्ट करते हैं कि भैया बाबू को जो भी हो सके आपसे उतना सपोर्ट कीजिए, जो कि मैं आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि यह उनका कार्ड है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जो कि इनका नाम है आयांश सिंह, खाता संख्या मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 5121217657, जो कि इनका IFC कोड है CBINO282384, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, जो कि आप लोग इन्हें अकाउंट में जो हो सके, आपसे जो पन पड़े आप लोग भेज सकते हैं। तो यही था खुलासा, जो कि आप लोग जो भी भैया पूरा वीडियो देख लिया, आप लोग को सच्चाई पता चल गया, बट कुछ अगर आप लोग के मन में डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके प्लीज़ आप लोग राय दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर से मिलते कुछ अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।